हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शबाना रसोई। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही ज़बरदस्त पलवल का रिजाला रेसिपी। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इसे बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम पलवल को अच्छे से धोकर इसके ऊपर नीचे के डंडल को काट कर हटा दिया है और अब इसे मैंने इस तरह के डिज़ाइन में छील लिया है और इसमें मैंने एक कट्स का निशान भी लगा दिया है जिससे कि मसाला इसके अंदर तक जा सके। और इधर मैंने कढ़ाई में 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर कटा हुआ पलवल डाल देंगे और इसका कलर चेंज हो जाने तक इसे फ्राई कर लेना है। और अब इसका मसाला बनाने के लिए मैंने काजू और किशमिश और 2 चम्मच खसखस को पानी में भिगो कर रखा हुआ था। अब इसे एक छन्नी में छान लेंगे और इसे ग्राइंडर जार में डालेंगे और 3 हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। और इधर पलवल भी हमारा फ्राई हो चुका है, देखें इसका कलर चेंज हो गया है। तो इस टाइम पर इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो पलवल निकालने के बाद जो कढ़ाई में ऑयल बचा है इसके अंदर डालेंगे 3 साबुत लाल मिर्च, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज़पत्ता, 3 छोटी इलायची और 4 लौंग डाल देंगे। और इसके क्रैकल होने के 30 सेकंड बाद जो हमने काजू और खसखस का पेस्ट बना कर रखा हुआ है उसे डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे और 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे बट इसमें कोई भी कलर नहीं दिख रहा है, तो मैंने दोबारा से 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड किया है। तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड किया है। इससे तीखा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये सिर्फ कलर के लिए होता है। तो मैंने मसालों को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लिया है और इसका ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। तो इस टाइम पर फ्राइड पलवल को शामिल करेंगे और इसे 1 मिनट तक मसालों के साथ भून लेंगे। और अब लास्ट में ऐड करेंगे 3 हरी मिर्च और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 2 कप के करीब पानी शामिल कर देंगे। और अब मीडियम टू लो फ्लेम करके इसे 8 से 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इसे कवर कर देंगे और मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। तो इसे पकते हुए 10 मिनट हो चुका है, तो आइए इसे खोलकर चेक करते हैं। और ये देखें माशाल्लाह इसका जलवा, क्या खूब कलर आया है। अब इसके ऊपर से 1 टेबल स्पून आप देसी घी डाल सकते हैं और अगर आपको पसंद है तो 1 टीस्पून केवड़ा वाटर डालें, इससे बहुत ही ज़बरदस्त की खुशबू आएगी। और ये देखें पलवल भी हमारा काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे आप रोटी पराठा या चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।